नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। मदीना में मस्जिद के बाहर धमाका, 4 सुरक्षा कर्मियों की मौत। मदीना में इस्लाम के सबसे पवित्र स्थलों में से एक पैगंबर की मस्जिद के बाहर एक आत्मघाती बम हमले में 4 सऊदी सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हो गए। गृह मंत्रालय के एक बयान में बताया गया है कि सुरक्षा बलों को एक व्यक्ति पर संदेह हुआ जो अल मस्जिद अल नबवी की ओर बढ़ रहा था। वो आगंतुकों की पार्किंग से होते हुए बढ़ा, उसे रोकने की कोशिश की गई तो उसने खुद को विस्फोट वाली बेल्ट से उड़ा लिया। विस्फोट में हमलावर मारा गया और 4 सुरक्षा कर्मियों की भी जान चली गई। विस्फोट की वजह से 5 अन्य सुरक्षा कर्मी घायल हो गए। अमिताभ बन सकते हैं स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर। बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन स्वच्छ भारत अभियान का चेहरा बन सकते हैं, क्योंकि केंद्र ने अभियान के लिए अभिनेता को अपनी आवाज और पहचान देने के लिए पत्र लिखा है। एक अधिकारी ने बताया कि शहरी विकास मंत्रालय ने 20 जून को बॉलीवुड दिग्गज को पत्र लिखकर अपनी आवाज और पहचान देने और अभियान के एक विशिष्ट हिस्से के प्रचार में सहयोग करने को कहा है। उन्होंने कहा कि वे अभिनेता के जवाब की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उमा भारती बोली, नमामि गंगे के लिए बनेगा नया कानून। केंद्रीय जल संसाधन और गंगा संरक्षण मंत्री उमा भारती ने कहा कि नमामि गंगे कार्यक्रम को तेजी से अमल में लाने के लिए एक नया कानून बनाया जाएगा। उन्होंने यहां राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की 6 बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि नमामि गंगे नदी बोर्ड प्राधिकरण के सदस्य अवकाश प्राप्त न्यायाधीश गिरधर मालवीय के मार्गदर्शन में एक विशेषज्ञ समिति प्रस्तावित कानून के संबंध में सुझाव देंगी। उन्होंने प्राधिकरण के सदस्य माधव चिताले की अध्यक्षता में गंगा नदी से गाद निकालने के बारे में एक समिति गठित करने की भी घोषणा की।